संत सुरक्षा मिशन एवं नरेंद्र मोदी विकास मिशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को संत सुरक्षा मिशन एवं नरेंद्र मोदी विकास मिशन के पदाधिकारी एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देते हुए गणेशरा गांव स्थित गर्दर्व कुंड पर हो रहे अवैध कब्जे को मुक्त कराने की बात कही। इन पदाधिकारियों का कहना है कि गणेश राय स्थित गर्दव कुंड पर लंबे समय से स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा एवं निर्माण कर रखा है, जिसको लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस कुंड को खाली नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि इस कुंड को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए और इन आरोपियों के खिलाफ जाँच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी गर्दव कुंड पर लंबे समय से स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा एवं कर रखा है जिसको लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस कुंड को खाली नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि इस कुंड को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए और आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी गर्दर्व कुंड पर अवैध कब्जा व निर्माण न कर सके। मेरा नाम रविंद्र गौतम है। मैं ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन दिया? नरेंद्र मोदी विकास मिशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये ज्ञापन दिया है कि माननीय जो मुख्यमंत्री की योजना है, अवैध पार्किंग, अवैध कब्जे, अवैध जो सारी चीज़ें हैं, उसको तत्काल हटाया जाए, जिससे माफियाओं और जो गैंग चलाने वालों की कमर टूटे। और इसी संदर्भ में आज एक माननीय DM साहब को हमने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के भी एक हमने ज्ञापन दिया है DM साहब के माध्यम से। और ये कहा गया है कि गणेशरा मथुरा जिले में गणेशरा तहसील गणेशरे मौजा में एक गाँव है, जिस पर एक काफ़ी बड़ा एक तालाब है, कुंड है, उस पर कुछ कब्जा है और उस कब्जे और ये स्थिति आ गई है कि वो छोटे छोटे कब्जे से वो थोड़ा सा छीणहीण होता जा रहा है। अच्छा, उस कब्जे को हटवाने के लिए तथा कब्जे जो भी भूमाफिया हैं और जो भी जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो भी कुछ हैं, वो उस पर खिलाफ कब्जा है उस पर। तो एक ये मोदी योगी जी की योजना के अनुसार कि सारे जितने भी कब्जे हैं, और उन्होंने अभी 7 इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, अभी परसों जो दिए हैं, और बैठ कर उन्होंने एक सभा करी और बताया है कि अवैध पार्किंग, अवैध कब्जे ये कहीं नहीं मिलने चाहिए, और जितने भी ये माफिया हैं इनकी सभी कमर जब टूटेगी, जब ये सारे हट जाएंगे। और ये इन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी वगैरह और जो सबके मुख्य सचिव हैं, सबको ये निर्देशित भी किया है। तो उसी माध्यम को चलते हुए हमने जो भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है, अभियान है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वो है, वही नरेंद्र मोदी विकास मिशन का भी वही काम है। तो इसी के माध्यम से हमने एक आज DM साहब को ज्ञापन दिया है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे योगेश पचौरी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी विकास मिशन के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय विनोद कुमार विद्यार्थी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन, उनका भी ये आदेश है, उनका भी ये हम उनके आदेश अनुसार कि जितने भी जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है, वो सब नरेंद्र मोदी विकास मिशन उस पर लागू है, और वो ये है। आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं और समय संस्था से ये भी अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी इस तरीके की जो घटना है, जो वो है, उसको तुरंत DM साहब के माध्यम से और अन्य कप्तान साहब के माध्यम से सबको हटवाएं, अवैध कब्जों को, अवैध पार्किंग को, अवैध सारी चीज़ों को, निर्माणों को, सबको वो हटवाएं। आज जो ज्ञापन दिया, क्या किन मांगों लिए ज्ञापन दिया आपने? ये मैंने ज्ञापन दिया है बीमारी को खत्म करने के लिए गांव गणेशराव में। हमारे में गंदर्व कुंड और वृक्ष 84 कोस में आता है और उस पर इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि आप पूछो मत। आपने 2 महीना पहले इसका अटका मैंने बुक किया था, पहले भी मैंने ज्ञापन दिया सर DM साहब के लिए, DM साहब ने बहुत बार से सुनी थी, और जमुना मिशन की तरफ से 1 महीना 10 दिन हम JCB चली है और कब्जे मैंने सब एक बार बुक करा दिए, दोबारा कब्जा कर लिया है। 7.5 बीघे की हमारी एकाएक बुक है गंदर्व कुंड हमारा, और उस पर मौके पे बस से 2.5 बीघे हुए, और कोई गरीबी ने नहीं कर रखा है। सब जो ज़मीन वाले वो जो कब्जा कर रखा है, वो सब पैसे वाले ने कर रखा है, उनकी खूब जांच कराई है। और मुझे तो चाहिए गंदर्व को नमारा खाली और उसका सौंदर्यकरण, यही मैं कहना चाहता हूँ।